रेलवे म्यूजियम से पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद चिकित्सा विभाग हुआ मुस्तैद। अजमेर में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिकित्सा विभाग द्वारा व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए CMHO KK सोनी ने बताया कि अजमेर के रेलवे म्यूजियम में कई लोगों को ठहरा रखा है, जिनमें से एक 22 वर्षीय दिल्ली निवासी नावेद है। 14 अप्रैल को नावेद में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे, जिसे अस्पताल लाया गया और जांच के लिए उसकी रिपोर्ट भेजी गई। आज उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और चिकित्सा विभाग द्वारा उस क्षेत्र के 3 किलोमीटर तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और जो भी लोग उस रेलवे म्यूजियम में रह रहे हैं उन 173 लोगों को आइसोलेट किया गया है और उन सभी लोगों की भी जांचें की जा रही है तथा सैंपल भिजवाए गए हैं। साथ ही एहतियातन के तौर पर क्षेत्र में भी डोर टू डोर सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं आज पॉजिटिव मिले खानाबदोश युवक को JLN अस्पताल में इलाज जारी है। किस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है, कई लोग वहां अभी भी हैं, जिनको लेकर क्या व्यवस्थाएं की जाए? देखिए, एक हमारे जो म्यूजियम में जो रेलवे की म्यूजियम, उसके अंदर जो कुछ हमारे इकट्ठे करके जो पेशेंट्स थे, मतलब आदमी थे, उनके बीच में एक खानाबदोश भी है जिसका नाम नावेद है, जो 22 साल का है, दिल्ली का है मूलतः। वो यहाँ पे खानाबदोश है और रेलवे स्टेशन पे घूमता रहता है, उसकी हिस्ट्री भी ट्रेस कर रहे हैं। और वो उसको 14 तारीख को सिम्टम्स आए थे, तो हमारी टीम ने छलके पुलके उसको तुरंत जेल में भर्ती कराया था और सैंपल लिया गया। कल रात को उसको पॉजिटिव आया है। एहतियात के तौर पे वहाँ पे जितने भी लोग थे 173, उन सब के सैंपल ले लिए गए हैं, सबको आइसोलेट कर दिया गया है, उस पूरे एरिया को सीज कर दिया गया है और 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का जो कंटेनमेंट जोन है उसके अंदर हमारी टीमें सर्वे कर रही हैं। डोर टू डोर स्क्रीनिंग चल रही है, जैसे पहले अपन ने डिग्गी बाजार और खारीगुड़ी में की गई है। तो एहतियात पे जितने भी हम चिकित्सा विभाग की तरफ से कदम उठा सकते हैं वो सारे कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस कंटेनमेंट जोन के अंदर भी हम कुछ नहीं। हमने आपको बताया ना कि ये लड़का 26 तारीख से अंदर है, ये कहीं बाहर निकला नहीं है, 14 तारीख तक भी अंदर ही था, तो मींस इसका काफ़ी पीरियड अंदर ही है। तो इसका हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई ट्रांसमिशन बाहर गया होगा। अगर कोई एकाध जो ना कोई बाहर से आया, अगर उसके भी हमने सैंपल्स लिए जो कॉन्टैक्ट्स के हैं, तो उम्मीद यही है कि अगर ये जो कोई इन्फेक्शन आएगा तो वो अंदर ही आइसोलेटेड होना चाहिए पर्टिकुलर एरिया में। और किसी को लिया था, इसको JLN में शिफ्ट किया, कहाँ किया? ये JLN में ही उपचारत है। सर, इसमें ये संक्रमण आया कैसे, मतलब ये यहाँ पे पहले से ही था या यहाँ पे? अब ये तो जब तक इसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री नहीं मालूम पड़ेगी, जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है।